ये देख, हमने जेनेरिक स्टेट ली है, ठीक है, और जेनेरिक स्टेट को गुड लीनियर कॉम्बिनेशन हम एक्चुअली हमने फाइंड करना, उसके लिए हमने जेनेरिक स्टेट ली है। साई नोट, जेनेरिक स्टेट के लिए हमने दो इक्वेशंस फाइंड कर लिए, इक्वेशन 5 है और दूसरी इक्वेशन 6 है। इसको हमने किया है सिमिलरिटी से सॉल्व करने की कोशिश किया, उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने के बाद आपके पास दो परटर्ब्ड एनर्जीज आ गई, ठीक है। E1, ये देखें, E1 है, ये E1 जो हमारी नोटेशन है वो बताती है कि ये जो फर्स्ट ऑर्डर कुरेक्शन है ये इन प्लस स्टेट और माइनस स्टेट, प्लस माइनस नोट करते हैं दो डिफरेंट स्टेट्स को। अच्छा, अगर आप केसेस लें इसको, दो डिफरेंट केसेस, इफ अल्फा इज इक्वल टू 0, अगर केस ये है, तो इसको इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को छोड़ के आप ये देखो कि जो ऑलरेडी आपके पास इक्वेशन है 5 और 6, वो क्या बताती है। अगर अल्फा इज इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब लाजमी है कि बीटा इज इक्वल टू 1 होगा लीनियर कॉम्बिनेशन के मुताबिक। ये रहा लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये आपको मैंने बताया कि नॉर्मलाइज है, अगर ये नॉर्मलाइज है तो अगर अल्फा इज इक्वल टू 0 है तो बीटा इज इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि इसका जो वो कोफिशिएंट है आपको पता है कि वो उसका जो स्क्वायर मॉडुलस इज इक्वल टू 1 होना चाहिए सारे का। तो अगर अल्फा इज इक्वल टू 0 है तो पहली बात है हमारे पास बीटा इज इक्वल टू 1 होगा। अच्छा, उसके बाद अगर आप इक्वेशन नंबर 6 देखो तो वो ये बताती है, इक्वेशन नंबर 6 कहां पे, ये रही, इक्वेशन 6 में अल्फा 0 हो गया, ये टर्म 0 हो गई, तो आपके पास आ गया बीटा, बीटा से कैंसिल हो जाएगा ऐसे ही है, और E1 आ जाएगा WBB। तो हमारे पास आया है कि अगर अल्फा आपके पास 0 है, अल्फा अगर आप यहाँ पे 0 पुट कर देते हो तो बीटा बीटा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और E1 हो जाएगा WBB, तो मेरे पास आ जाएगी एनर्जी WBB। अच्छा, आप ये जो जेनेरिक फार्मूला मैंने हमने देखा हुआ है, इसमें जो नेगेटिव साइन है वो इसी चीज को कॉरस्पॉन्ड करता है, इसी चीज को कॉरस्पॉन्ड करता है कि ये जो मैंने इक्वेशन से ये ड्राइव की है, ये जो फर्स्ट ऑर्डर कुरेक्शन WBB इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर कुरेक्शन E1 है, तो अगर मैं इसमें पुट कर दूं जेनेरिक फार्मूला में WAB इक्वल्स टू 0, समझ रहे हैं बात, फॉलो कर रहे हैं। हेलो, यस सर, सुन रहे हैं। अच्छा, WAB 0 है, WAB हमारे पास इक्वेशन से 0 है, इक्वेशन नंबर 5 से। अब ये देखो, अल्फा अगर 0, यहाँ पे 0 हो गया, ये 0 हो गया टर्म, यहाँ पे भी तो अल्फा है, ये भी 0 कर देगा, तो बीटा तो इज इक्वल टू 1 है, तो क्या चीज 0 हो जाएगी, WAB, ये भी 0, अल्फा की वजह से ये भी 0, बीटा हमें पता है इज इक्वल टू 1 है, तो क्या चीज भी 0 हो सकती है, WAB। तो WAB हमें पता चला इक्वेशन से कि वो भी 0, वो 0 है, तो जो WAB 0 है तो आपके पास जो फर्स्ट ऑर्डर कनेक्शन आ जाती है इस टर्म में। सिर्फ आप अगर इक्वेशन की इक्वेशंस को देखो, इक्वेशन 5 और 6 को, जो सिमिलरिटी हम जो दो इक्वेशन हमें मिली। अच्छा, ये क्या हमें ये जो फार्मूला है, ये जो चीज है, ये इस फार्मूले से भी मिलती है या नहीं मिलती, ये जो चीज है कुछ कुछ मिलती है सर। आप ये पुट करके देख लो, अगर WAB इक्वल टू 0 हो, यहाँ पुट करो WAB, तो यहाँ पे अगर मैं WAB 0 हो जाएगा, WAB ये वाली टर्म जाती रहेगी ऐसे ही। अच्छा, ये वाली टर्म ये कैंसिल हो जाएगा अंडर रूट ऐसे ही, और अगर मैं ये नेगेटिव साइन के साथ लूं, ये हो जाएगा WAA प्लस WBB माइनस, अगर मैं माइनस वाली टर्म लूँ, माइनस आ जाएगा WAA माइनस WBB। तो अगर आप ये ब्रैकेट खोलोगे तो WAA WAA से कैंसिल हो जाएगा, WBB प्लस WBB यानी कि 2 WBB हो जाएंगे, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास मिल जाएगा नेगेटिव क्रॉस पॉइंट, ये एनर्जी में ये मिल जाएगा। तो एग्जैक्टली अगर आप इसमें ये जेनेरिक फार्मूला से ये चीज लेना चाहते हो तो आपको
आपको नेगेटिव वाली जो एनर्जी मिली है वो यही डब्ल्यू बी बी है। अब दूसरा केस लो, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेगेटिव वाली साइड लो आप, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से जो दो टर्म जाएंगे डब्ल्यू ए डब्ल्यू ए से कैंसिल, डब्ल्यू बी वन टू डब्ल्यू बी 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 डिवाइड बाई टू इजिकल टू डब्ल्यू बी आ जाएगा। अब दूसरा केस है, दूसरा केस है अब अल्फा इजिकल टू वन है और बीटा जीरो है, अल्फा इजिकल टू वन और बीटा जीरो है। तो दोबारा इक्वेशन देखो हमें क्या कहते हैं, इक्वेशन इक्वेशन नंबर सिक्स, इक्वेशन नंबर सिक्स, इक्वेशन नंबर सिक्स ये देखो। तो डब्ल्यू बी ये जो हमारे पास है बी वाली टर्म जीरो, तो डब्ल्यू बी ई भी जीरो है, इसलिए तो ये हमें इक्वेशन बता रही है ये वाली इक्वेशन इसको, डब्ल्यू ए बी वाली जीरो टर्म, तो हमारे पास जो अल्फा है वो बन जाएगा ई वन इज इक्वल टू डब्ल्यू ए, डब्ल्यू ए बी पहले जीरो करना है वो भी देखना है डब्ल्यू बी जीरो है या नहीं है। बीटा हमारे पास जीरो हो गया था ना, तो बीटा जीरो की वजह से ये भी जीरो हो गया, ये वाली टर्म भी जीरो, ये वाली टर्म भी जीरो, तो अल्फा हमें पता है इज इक्वल टू वन है वो तो जीरो नहीं है, तो क्या चीज पे जीरो है, डब्ल्यू बी ए, ऐसी है यही क्वेश्चन बनेगी ना ये वैल्यू पुट करने के बाद, ये बनेगी अल्फा डब्ल्यू डब्ल्यू ए बी और ये ए प्लस इज इक्वल टू जीरो, तो अल्फा तो वन है तो फिर क्या चीज जीरो है, डब्ल्यू बी ए, ठीक है। तो यहाँ से मैं बता डब्ल्यू बी ए जीरो है, यहाँ डब्ल्यू बी ए जीरो पुट कर दो आपके पास, तो अल्फा अल्फा से कैंसिल, तो आपके पास फर्स्ट ये कुरेक्शन बन जाएगी ई वन इज इक्वल टू डब्ल्यू वन। तो जो दो केसेस हैं आप अगर वो इक्वेशन में पुट करो कि अल्फा एक मरतबा जीरो कर लो और बीटा वन कर लो, और दूसरी मरतबा आप ले लो बीटा वन और बीटा जीरो अल्फा वन ले लो अल्फा जीरो, तो आप ये देखोगे कि आपको ये कुरेक्शन मिल जाती है। और ये जो जनरल फॉर्म में से कैसे क्रॉसपॉन्ड है, जो प्लस वाई टर्म यही निकाल के देगी आपको, प्लस वाई टर्म अगर आप यूज करोगे तो ए डब्ल्यू ए भी जीरो है, ये जीरो हो जाएगा, यहाँ पे टू कैंसिल हो जाएगा, और इस टर्म जो टर्म सर्वाइव करेगी वो डब्ल्यू ए सर्वाइव करेगी, तो आपके पास जनरल फॉर्म में भी आपको यही रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। तो अपर स्टेट में कुरेक्शन है ये और लोअर में कुरेक्शन है ये। अब गुड लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है, गुड लीनियर कॉम्बिनेशन हमने फाइंड कर लिया हुआ है कि एक लीनियर कॉम्बिनेशन है हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन है जो अपर स्टेट के लिए यूज कर रहे हैं हम, वो है जिसमें अल्फा वन है, ए बनेगा ना ए अल्फा वन है और ये वाला बीटा जीरो है, ऐसी है। और दूसरी वाली लीनियर कॉम्बिनेशन है हमारे पास जो लोअर स्टेट के लिए है अल्फा जीरो बीटा वन, अल्फा जीरो बीटा वन, तो बीटा नॉट। असल में जो हमने दो स्टेट ली थी ना वो गुड लीनियर कॉम्बिनेशन ही थे, हमें नहीं पता था, वो आखिर में आके पता चला, ठीक है। ऐसे ही होता है यहाँ पे कि आपको स्टार्टिंग में पता नहीं होगा लेकिन एट द एंड आपको चीजें पता चलेंगी, तो आप उसकी यहाँ पे कंक्लूड करोगे और फ्यूचर में चीज उसको उस रिजल्ट्स को यूज करोगे। तो देखो ये दो लीनियर कॉम्बिनेशन जो गुड लीनियर कॉम्बिनेशन में फाइंड करने थे ये है, मैंने कहा था लोअर स्टेट के लिए अपर स्टेट के लिए भी होना चाहिए, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर ऑर्थोगोनल भी होने चाहिए, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर ऑर्थोगोनल है, दोनों का अगर आप इनर प्रोडक्ट लोगे तो यहाँ पे साई बी नॉट है और यहाँ पे साई ए नॉट है, और साई ए नॉट और साई बी नॉट का इनर प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो है, तो ये हमारे पास गुड लीनियर कॉम्बिनेशन। तो जब अगर आपके पास गुड लीनियर कॉम्बिनेशन आपको मिल गया तो अब आप फर्स्ट ऑर्डर कुरेक्शन वैसे यूज कर सकते हो, यहाँ पे एक गुड लीनियर कॉम्बिनेशन यूज करो, ये देखो साई ए नॉट है उसमें एस प्राइम को सैंडविच कर दो, और दूसरे में दूसरा गुड लीनियर कॉम्बिनेशन यूज करो साई बी नॉट और साई बी नॉट, असल में वो जो साई जो अप लोअर थी वो साई बी नॉट के इक्वल थी ना, तो साई जो
अपर है वो साई एन नॉट के साथ इक्वल थी, तो ये गुडली में कम्बिनेशन, ये गुडली में कम्बिनेशन, यहाँ भी और आप डेड्यूस करोगे। तो इसका मतलब है अगर आपको इन एडवांस गुडली में कम्बिनेशन पता होता तो आपको पूरा क्रॉस करने की जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट फर्स्ट ऑर्डर कुरेक्शन जो नॉन डिजनरेट थ्योरी वाली है वो यूज कर सकते थे। ये वही है ना फर्स्ट ऑर्डर कुरेक्शन इन जो यूज करते हो नॉन डिजनरेट थ्योरी में, तो हमें सिर्फ ये स्टेट नहीं पता थी जो हमने फाइंड कर ली, और अगर आप समहाउ गैस कर लेते हो तो आप इसको स्टार्टिंग में यूज कर सकते हो, आपको पूरा क्रॉस करने की जरूरत नहीं होगी। तो अगर ये बात रखी हुई है कि आपके पास अगर जो गोल्डन कॉम्बिनेशन एडवांस आपको पता है तो आप पर्टर्बेशन नॉन डिजनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी यूज कर सकते हो। अच्छा थ्योरम ये कहता है हमें नॉट डी, हमने उसी थर्ड या फोर्थ ट्यूटोरियल में नॉट डी जर्नी से लिफ्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था वो एक टर्म यूज की थी हमने कंप्लीट सेट ऑफ कम्यूटिंग ऑब्जर्वेबल्स, याद है कुछ? कंप्लीट सेट ऑफ कम्यूटिंग ऑब्जर्वेबल वो सी एस सी ओ हमने ट्यूटोरियल में यूज किया था, लेक्चर में यूज ही किया था, ये उस तरह वो यही चीज है कि हमारे पास जो लेट से हम एक और तीसरा ऑपरेटर उठाते हैं, हम देखते हैं कि तो डीजनरेसी ये लिफ्ट करनी है अगर हमने तो हमने कम्यूटिंग सेट ऑफ ऑब्जर्वेबल्स उठाते हैं, तो इसमें आप ये देखो कि थ्योरम में समा वही कुछ आपको कहता है, लेकिन ये एडवांस में एक और चीज बताएगा आपको कि गुड स्टेट्स क्या है। अगर आपके पास ए ऑपरेटर आपने लिया वो हर्मिशियन है और दोनों के साथ कम्यूट करता है, ये नॉट के एच नॉट के साथ भी और एच प्राइम के साथ भी, और साई ए नॉट बी और साई बी नॉट भी अगर ए की आइगन स्टेट्स हैं, ठीक है, और इसके बाद और अजम्पशन ये है कि अगर वो आपके पास जो ए है वो उसमें जो स्पेक्ट्रम है ए और बी के ऊपर वो नॉन डिजनरेट है, यानी कि अगर आप ए नॉट पे अप्लाई करते हो ए को तो आपके पास आइगन वैल्यू मिलती है म्यू, और बी पे अप्लाई करते हो तो आपको मिलती है ये वी, ठीक है। तो इसमें कई सारी अजम्पशन है, पहले तो ये है कि ये कम्यूट करना चाहिए, दूसरा ये है कि ये भी इसकी आइगन स्टेट हो तो आप फाइंड कर सकते हो आइगन स्टेट हो, और तीसरी ये है कि आपके पास ये इन आइगन स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू डिफरेंट हो, ठीक। तो फिर ये आपके और साइन डज नॉट इक्वल टू वी, तो फिर आपके पास डब्ल्यू ए बी इक्वल टू जीरो होगा, डब्ल्यू ए बी इक्वल टू जीरो होगा, और अगर डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब है कि साई ए नॉट और साई बी नॉट इटसेल्फ गुड लीनियर कॉम्बिनेशन, यही था ना ऊपर से जो भी हमने दो इक्वेशन निकाली हैं दोनों केस में डब्ल्यू ए बी जीरो हुआ है तो हमें वो लीनियर कॉम्बिनेशन वो मिला जो हमारे पास अभी है। तो इस केस में थ्योरम को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अगर आपके पास एक ऑपरेटर ऐसा फाइंड है एच नॉट और एच प्राइम, एच नॉट और एच प्राइम के साथ अगर कम्यूट करता है और ये जो आइगन स्टेट हैं और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू डिफरेंट हैं, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं, तो डब्ल्यू ए बी इटसेल्फ जीरो होगा, डब्ल्यू ए जो क्रॉस टर्म है मैट्रिक्स की वो जीरो होगी, और साई ए नॉट और साई बी नॉट गुड होंगे स्टेट्स होंगी, समझ रहे हैं इस बात को? यानी कि ये थ्योरम आपको इन एडवांस बताने की कोशिश कर रहा है कि आप गुड लीनियर कॉम्बिनेशन में डेड कैसे पहुंच सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा हेडेक की है कि आपको एक ऑपरेटर ढूंढना पड़ेगा जो दोनों के साथ कम्यूट करे और उसकी डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू हो। अगर आपने ये फाइंड कर लिया तो ये भी दोनों आप जो इसकी ये आइगन स्टेट है इसके ए की आप वो यूज कर सकते हो इस डिजनरेसी को लिफ्ट करने में। अच्छा इसको प्रूव करें, ये छोटा सा प्रूव है इसका, हमने अजम्पशन बाय अजम्पशन है ए एच प्राइम के साथ कम्यूट करते हैं, आप इसमें सैंडविच करो ए एच प्राइम के साथ तो एक टर्म आएगी ए एच प्राइम और दूसरी आएगी माइनस साथ एच प्राइम में बाय हर्मिशियन जो ए है आप इसको इधर भी लिख सकते हो लेफ्ट साइड पे भी, तो अगर ए अप्लाई होता है बी के ऊपर तो हमें आइगन वैल्यू मिलेगी बी, ऊपर हम देख चुके हैं, और अगर ए अप्लाई होता है ए नॉट पे तो हमें मिलेगी म्यू, तो म्यू यहाँ से आ गया बी यहाँ से आ गया,
दोनों में ये वाली जो टर्म है ये वाली कॉमन है, तो हमारे पास बनेगा म्यू माइनस बी और ये जो कॉमन टर्म इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये कम्यूट करते हैं ऐसे ही है। ठीक है, हमें पता है कि म्यू और वी बराबर नहीं है, डिस्टिंक्ट है, तो ये कभी जीरो इक्वल के नहीं हो सकते। फिर जीरो क्या होगा, ये जीरो इक्वल टू जीरो। आप अगर ये इस तरह का ए फाइंड कर लेते हो जो दोनों के साथ कम्यूट करता है और जो ए बी दोनों उसकी आइगन स्टेट्स हैं और डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू हैं, तो डब्ल्यू ए बी ऑटोमेटिकली जीरो होगा। तो आपका गुड लीनियर कॉम्बिनेशन गुड स्टेट्स ये होंगी, और फिर आप इन गुड स्टेट को उठा के डायरेक्टली फर्स्ट ऑर्डर कोरिलेशन फाइंड कर सकते हो। प्रश्न यहाँ तक? नो सर। अच्छा, अब इस चीज को और ज्यादा कॉम्पैक्ट करते हैं और एक ही इक्वेशन मिल गए थे। अब वो देखिए, ये जो सिक्स और जो इक्वेशन सेवन थी या फिर फाइव, ये कौन सी थी? आप बिल्कुल इस तरह मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स में डब्ल्यू ए अल्फा प्लस डब्ल्यू ए बी बीटा इज इक्वल टू ई वन अल्फा, पहली इक्वेशन होगी, और दूसरी होगी डब्ल्यू बी ई ए अल्फा डब्ल्यू बी बी बीटा इज इक्वल टू ई वन बीटा। तो दो इक्वेशन आपने ली थी इसमें इकट्ठे मैट्रिक्स फॉर्म में, तो असल में ई वन क्या है? ई वन वो जो ये टू कॉस टू मैट्रिक्स है, तो ई वन को हमने क्वेश्चन फाइंड किया है प्लस माइनस, वो दरअसल इसके आइगन वैल्यूज है। तो इसका मतलब है अगर आप क्वेश्चन फाइंड करना चाहते थे तो सिर्फ आप मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू फाइंड कर लेते तो वो करेक्शन मिल जाती है। और गुड स्टेट्स क्या है? इसी डब्ल्यू मैट्रिक्स की आइगन वेक्टर्स है। तो इस चीज में इस स्लाइड ने इस चीज को बहुत समराइज कर दिया है कि आप सिर्फ वो जो इक्वेशन जो आई हैं, बल्कि इक्वेशन जो हमने मैट्रिक्स फाइंड किया है उसको अगर जेनाइज स्टेट पे वो उसके आइगन आइगन वैल्यू फाइंड कर ले तो आप ये होगी perturbed eigen वो होंगे, दो energies होंगी, उसके eigen vectors होंगे, वो good states होंगे। तो इसको अगर आपके पास जो two fold नहीं है, n fold degeneracy है, तो matrix two cross two को नहीं होगा, बड़ा होगा matrix, ऐसे ही matrix two cross two नहीं होगा, बड़ा होगा matrix। अगर three fold degeneracy है तो matrix होगा three cross three, four fold degeneracy तो matrix होगा four cross four. अच्छा, इसमें याद रखना है कि जो स्पेक्ट्रम है ना पूरा, आपको पता है कि वो कोई भी हो सकता है, बड़ा जीरो से लेके इनफिनिट भी हो सकता है। हम जिस चीज को यूज करें यहाँ पे, जो स्टेट्स यूज करें है ना, वो स्टेट यूज करें जिसमें सिर्फ डिजेनेसी है, बाकी सारा हम सपोज करें कि उसमें कोई डिजेनेसी नहीं है, ठीक है, बाकी एज इट इज ही रहेगा। हमने सिर्फ वो डिजेनेस जो स्टेट है ना, जैसे कि डिजेनेस ऊपर टू फोल्ड डिजेनेसी, बाकी हमने स्पेक्ट्रम की बात नहीं की, सिर्फ वो टू स्टेट्स की बात की, उनमें डिजेनेसी थी। इसमें भी सिर्फ आप वही स्टेट उठाओगे जिसमें डिजेनेसी है, तो ये मैट्रिक्स बन गया। इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू होंगी आपके पास परटर्ब वो करेक्शंस, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, उसके आइगन वेक्टर्स होंगे गुड स्टेट्स। तो ये सिर्फ सारा का जो सारा काम है आपने ड्रॉप डाउन कर लिया आइगन वैल्यू प्रॉब्लम में, कि मैट्रिक्स की अगर आप फाइंड कर ले तो W मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी फ्रैक्शंस, तो इनके मैट्रिक्स वो आइगन वेक्टर्स आपके पास आएंगे गुड स्टेट्स। और इसको लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म में कहते हैं कि वो बेसिस फाइंड करनी है, जो आइगन वेक्टर्स असल में बेसिस है, वो बेसिस फाइंड करनी है जिसमें W डायगोनलाइज हो। ये लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म में, हमें लीनियर कॉम्बिनेशन काफी बड़ा उम्मीद है, ये हमें आता होगा कि कंस्ट्रक्ट आपने वो बेसिस फाइंड करनी है, वो बेसिस फाइंड करनी है जिसमें W डायगोनलाइज हो, ठीक है, आइगन वैल्यू पे वो डायगोनल पे लाई कर रही है, और वो जो आप इंडिविजुअल जो कॉलम है वो असल में बेसिस एक्ट करता है, और वो ही हमारी इंडिविजुअल गुड स्टेट है। और वो थ्योरम यहाँ पे कैसे एग्जैक्टली यही है जो वहां पे है, ए एच प्राइम के साथ कम्यूट करता है तो ऑटोमेटिकली एच जो डब्ल्यू होगा डायगोनलाइज हो जाएगा। तो पूरी परटर्बेशन आप देखोगे ये इस एक जो स्लाइड है ये इसमें समराइज है।
तो आप बताओगे अगर आपने डिजाइन से लिफ्ट करनी है तो आपने आइगन वैल्यू फाइंड करनी है, आइगन वेक्टर फाइंड करनी है, तो यही आप केस देखोगे इसको एन फॉर डिजेनेसी के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं सोच रहा हूँ कि इसके आपके साथ वो डिस्कस कर लें, इसकी कुछ एग्जांपल्स देखें पर्टर्बेशन थ्योरी की, ताकि जो आइडिया है यस सर वो सिंक इन हो जाए। ओके सर, चाहिए।